दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही लंबे समय के बाद आप जो जिसका इंतजार कर रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, सर टेक्निकल हेल्पर पर भी वीडियो बनाओ, सर कंटिन्यूस जो है अपने लाइनमैन की वीडियो बनाओ, सर आप राजस्थान कोटा से हो तो कम से कम राजस्थान की भर्तियों पर तो वीडियो बनाओ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी का अवश्य ध्यान रखता हूँ मैं, क्योंकि देखो टेक्निकल के जो भी बंदे हैं वो सभी टेक्निकल की वैकेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। चाहे कोई भी स्टेट की हो, कोई भी सेंटर की हो, सब लोग आप हिंदुस्तान के सभी वैकेंसियों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए सभी के वीडियो बनाए जाते हैं। लेकिन आज स्पेशलाइज में आपके राजस्थान के लिए, जिसमें ऑल हिंदुस्तान वाले फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि क्या क्या है। देखिएगा, एक नजर मार लीजिए क्या क्या किन किन चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा, आज का विषय क्या रहेगा, इनको एंड तक जरूर देखना। बहुत ही कम समय में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, तो समझना। सबसे पहले देखिएगा, विद्युत विभाग टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन, जो कि आप देख सकते हो नाम सुना होगा आपने कि विद्युत विभाग टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद अभी नहीं आई सर, दूसरा साल चल रहा है भर्ती। तो दोस्तों अब तक कब की आ जानी थी, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि इससे पिछले वाले जब बजट आया था तो सरकार ने इसमें 9000 पोस्टों का जिक्र किया गया था। कितने का? तो यहाँ पर ये सारे के सारे, तो पहली बात तो मैं बताऊं कि आपको यहाँ पर जो है 9000 पोस्टों का जिक्र किया था। कितने का? तो यहाँ पर 9000 पोस्टों का जिक्र किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदों की संख्या कितनी होगी, इस पर चर्चा हुई थी। और 9000 पोस्ट जब आनी थी, किसमें आपके यहाँ पर देखिएगा, जब पदों की संख्या 9000 थी, इस 9000 में से, इस 9000 पोस्ट में से देखिएगा 2000 तो जो है आपके INJN की थी। किसकी थी? INJN, ठीक है। तो यहाँ पर JEE की थी, ठीक है। अब बात करते हैं तो JEE की थी, इसके बाद में जो है इसमें से 1000 पोस्ट लगभग जो है LDC की थी। किसकी? LDC की। अब बाकी जो बची वो पोस्ट किसकी थी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये था आपका कि 9000 पोस्ट सर बजट में दी थी, अच्छी बात, जो अच्छी वैकेंसी थी जो आनी थी 2019 में, लेकिन 2020 चल रहा, अभी भी नहीं आई, ऐसा क्यों और कब आएगी, क्या भर्ती, क्या कब आने वाली है वैकेंसी, इन सब का जानते हैं। तो 9000 में से 2000 चलेगी, 1000 तो बची कितनी आपके पास में? 6000। क्या ये 6000 भर्ती कब आएगी, किसकी आएगी, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बची जो 6000 वैकेंसी है, इस 6000 वैकेंसी का मैं जिक्र करूं तो ये आपके टेक्निकल हेल्पर अर्थात लाइनमैन की भर्ती है, जो कि आपकी आने वाली है। अब आने वाली कब है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। तो देखिएगा, अब तक तो कब की आ जानी चाहिए था आपको, लास्ट टाइम पता हो तो 26 तारीख की मीटिंग में, ये 26 जून वाली मीटिंग की ही बात कर रहा हूँ, 26 जून की मीटिंग में भी फाइनलाइज हुआ, और इससे पिछली वाली मीटिंग में क्या फाइनल हुआ था ये भी मैं बताता हूँ। सभी भर्तियों को कॉमन कर दिया था, अर्थात जो भी डिस्कॉम थे, डिस्कॉम कौन कौन से थे कि यहाँ पर लिखा कौन कौन से डिस्कॉम में भर्ती होगी, तो डिस्कॉम कौन कौन से हैं, देखिएगा 3 डिस्कॉम है जिनमें भर्तियाँ होती है, और इसके बाद एक चौथा होगा। देखिए 3 डिस्कॉम है, तो पहला नंबर का जो है आपके सामने, दूसरा आपके सामने, तीसरा आपके सामने, तीनों पर मैं चर्चा करूंगा। तो 3 डिस्कॉम है प्लस आपके एक उत्पादन है, क्या है? उत्पादन। एक आपके क्या है? उत्पादन है, तो टोटल 4 हो गए थे, तो 3 टू डिस्कॉम और 1 उत्पादन, तो इस तरह से क्या है प्रोडक्शन में भी आता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्कॉम में जो भर्ती निकलती है उस वो कौन कौन से निकलेगी, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बात करता है जयपुर डिस्कॉम, कौन सा? जयपुर डिस्कॉम। तो जो भी JVL में भर्ती आती है, मतलब जयपुर डिस्कॉम, इसके बाद आता है जोधपुर डिस्कॉम, क्या आता है? जोधपुर डिस्कॉम। तो 2, 3, 3 देखो, अब लास्ट में आता है यहाँ पर अजमेर डिस्कॉम, क्या था? अजमेर डिस्कॉम। तो इस तरह से जो है यहाँ आप देख सकते हो, तो ये जो वैकेंसीज है इन डिस्कॉम में आती है, इस जो विद्युत विभाग में भर्ती आती है। अब एक तीसरे नंबर के बाद में चौथा नंबर का आता था एक उत्पादन की भर्ती है, कितने की? उत्पादन। उत्पादन की भी भर्ती यहाँ पर 600 के लगभग जो है आने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि इसी के साथ भी आ सकती है, अलग से भी आ सकती है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरी संभावना। प्रोडक्शन जहाँ जहाँ भी होता है, जो प्रोडक्शन इकाई है जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर इस भर्ती की इतनी पूरी संभावना। अब अलग अलग में अलग अलग भर्ती आती है, वो चीज ध्यान रखना। तो क्या इन सब के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा? ना भाई, सभी के लिए केवल एक ही आवेदन करें, एक ही आवेदन करें। अभी हाल ही की मीटिंग में याद हो तो 26 तारीख से पिछली मीटिंग था, उसमें यही था कि एक ही आवेदन करेंगे, आवेदन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही आवेदन करेंगे। तो फिर आप जो है अलग अलग आवेदन न करोगे तो इसका मतलब वैकेंसी कॉमन होगी। अब कोई से बोर्ड से भरो, कोई से डिवीजन से भरो, बोर्ड का मतलब, या कोई से डिवीजन से भरो फॉर्म, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिस्कॉम से फॉर्म भरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी अच्छी मेरिटरी तो आपको चॉइस मिलेगी, उसमें आपको चॉइस पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? चॉइस। चॉइस का मतलब इच्छा पूछी जाए, तो एक ही डिस्कॉम से आवेदन करें। लेकिन यूं है कि आपको यहाँ पर एक ही डिस्कॉम का मतलब है कि कॉमन कर दिया गया इनको। कॉमन का मतलब यहाँ सीधा सीधा यह है कि इससे भरे, इससे भरे, इससे भरे, वो प्राथमिकता चूज रहेगी आपकी। तो पहले प्राथमिकता मान लीजिए आपने जयपुर दिया है, क्या दिया? तो पहले अच्छी मेरिटरी तो आपको जयपुर देंगे, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता आपने अजमेर दिया, तो और उससे कम मेरिटरी तो आपकी दूसरी
करते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर जो है हमें तो जो है मैं बहुत लास्ट लास्ट मेरिट में आया, तीसरी प्राथमिकता कौन सी रहेगी, जोधपुर रहेगी, तो ये प्राथमिकता के ऊपर डिपेंड है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कौन सी पहली होगी दूसरी होगी, ये नहीं है। अतः एक ही आवेदन होगा, बार बार आपको यहाँ पर आवेदन की जरूरत नहीं है, एक आवेदन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक बात कंफ्यूजन यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि एक ही तो फॉर्म भरे जाएंगे, तो कौन फॉर्म जो है कौन कौन से डिस्कॉम से भरे, तो यहाँ पर ध्यान रखना जयपुर जोधपुर अजमेर तीनों डिस्कॉम से एक ही बार फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी प्राथमिकता के अनुसार आप दे दिए जाएंगे। अब अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है कि उससे भी भर दो, एक से ही जितनी भी भर्ती है सारे एक साथ में कर ली जाएगी और जो आपकी मेरिट रहेगी उसके अनुसार आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। ये वैकेंसी का कॉमन कर दिया, इससे पिछली वाली जो 26 जून थी उससे पिछली वाली जो मीटिंग हुई थी सरकारी उसमें ये बताया गया था। अब 26 जून की भर्ती में क्या आकलन हुआ, तो यहां उसका आकलन हुआ कि वैकेंसी कब आएगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपका चल रहा ना इसका समाधान उसमें हुआ, वैकेंसी कब आएगी, तो वहां साफ साफ लिखा है उसमें कि अब वैकेंसी जो है प्रतिवर्ष आएगी, प्रतिवर्ष। इसका मतलब प्रतिवर्ष में तो 2020 भी आता है, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि 2020 में भर्ती आएगी, जैसे आईएएस की आरएस की इस टाइप की भर्ती हर साल आती कि नहीं आती, फिक्स है इनका कि इतने तारीख को वैकेंसी निकलेगी, इतने तारीख को प्री होगा, इतने तारीख को मेन होगा, तो इतनी तारीख इंटर होगा, तो ये सारी चीजें आती है। सेम इसी तरह से 2020 में भर्ती अपने लाइन मैन विद्युत विभाग में आनी चाहिए, उसमें जेईएन की पोस्ट का नाम बदल दिया था, आपको पता हो तो जो जेईएन की पोस्ट थी उसका नाम था देखिएगा विद्युत क्या इंस्पेक्टर नाम रख दिया गया, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नाम रख दिया गया जो जेईएन की, तो इसमें डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर पा रहे हैं, याद होगा आपको, तो डिप्लोमा वालों के लिए बम्पर वैकेंसी जो कि आपके आती रहती है। और इस बार जो है उसके बजट में भी थी, तो यहाँ 2000 पोस्टें लगभग आपके क्या डिप्लोमा वालों के बजट में थी जो सरकार निकाल ही रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से रुक गई है। अब सब प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कब आएगी, एक महीने मजे, दो महीने मजे, तीन महीने मजे, छः महीने मजे, पर आ 2020 में ही जाएगी, बसरता एक चीज है कोरोना काल ने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया हो तो। पूरी आपको बताता हूं संभावना है यहां कि 2020 में आपके वैकेंसी आ जाएगी। अब 2020 में वैकेंसी आ जाएगी सर, बात सही, लेकिन इसकी अगर वैकेंसी आ भी जाती मान ली दो महीने बाद, तीन महीने बाद, छह महीने बाद, तो पेपर कब होगा, ये भी बात क्लियर होना चाहिए कि पेपर होगा तो कब होगा फिर। तो आपको एक बात बताता हूं कि जब पेपर होगा तो ये कब होगा, तो यहां पर यही है परीक्षा कब होगी। लास्ट टाइम 22 दिन दिए थे, कितने दिन दिए थे लास्ट टाइम, आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर 22 दिन दिए थे फॉर्म भरने के, उसके बाद में ऑनलाइन पेपर करा लिया था, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा लिया था, याद होगा। और इस बार तो नॉर्मलाइजिंग भी होगा, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजिंग मतलब सामान्यकरण होगा, अच्छा पेपर ज्यादा टफ डिफिकल्ट होगा तो उस हिसाब से उसका नॉर्मलाइजिंग होगा। पिछली बार ये नहीं हुआ था, जो बच्चों के साथ गलत हुआ था वो अब इस बार नहीं होने वाला, चिंता वाली कोई बात नहीं। तो 22 दिन में जब लास्ट टाइम पेपर करा लिया था तो फिर क्या करोगे, अरे भाई इस बार भी आपके 22 की जगह भाई खींच कर मान लो, नहीं सर इस बार ऐसा नहीं, अरे तब 30 दिन मान लो, 30 दिन में फॉर्म भरने से लेकर के 30 दिन में जो आपका पेपर हो जाएगा, तो 30 दिन में तैयारी कर लेना बढ़िया मन से। कैसे करोगे, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ पढ़ लो, समय है कोरोना काल है, घर पे हो, और घर पे बैठे बैठे कि आप अपने मोबाइल से नहीं पढ़ सकते क्या, जमाना बदला तो तुम नहीं बदल सकते क्या, लोग मास्क लगाने लगे तो तुम घर बैठ के पढ़ने लग जाओ, क्या फर्क पड़ता, सेफ्टी मस्ट, सुरक्षा पहले, कोरोना से बचाव ही उपाय है, इलाज तो कोई यही नहीं। तो मेरा कहने का मिशन समझो, मेरी फीलिंग समझो, मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि 30 दिन में आप क्या तैयारी कर लोगे मेरे दोस्तों, 30 दिन की तैयारी से बचने के लिए समय है आपके पास में अभी इस कोरोना काल में, तो आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, कैसे तैयारी करें सर, और क्या सिलेबस है, अरे सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वही टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के, टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के, किसके थ्योरी के, तो वो कितने आएंगे याद होना चाहिए आपको, तो टेक्निकल थ्योरी के जो क्वेश्चन आएंगे आपके 100 × 2 = 200, वही कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आपके जो है नॉन टेक के आएंगे, किसके आएंगे नॉन टेक के, तो नॉन टेक के क्वेश्चन कितने आएंगे ये भी आपको मैं बता देता हूं, तो नॉन टेक के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके कितने 50 × 1 = 50 = 250 नंबर का आपका ये हो जाएगा 150 क्वेश्चनों का। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्या नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो यहां पर देखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्क नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी मतलब रखनी है, नेगेटिव मार्क नॉर्मलाइज होगा मतलब होगा, हाँ नॉर्मलाइजिंग होगा, यस बिल्कुल होगा, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है, तो सिलेबस में दिक्कत नहीं। अब ये सिलेबस को सर पूरा कहां से करें, अरे भाई 200 नंबर तो मेरे खुद के हाथ में ही है,
और ये 50 नंबर की मैं अभी 5 तारीख तक आपको फ्री सेवा दे रहा हूँ, मतलब निःशुल्क सेवा। कहाँ दे रहा हूँ? ये लो जी वीडियो कोर्स, ये लो वीडियो कोर्स, 250 से प्लस क्लास हैं। बताओ आपको कोई भी दे रहा हो तो हिंदुस्तान में, मैं खड़ा खड़ा हूँ, आपको ये फ्री क्लास दे दूंगा आपको, 250 से प्लस ऊपर क्लास दे रहा हूँ पूरी, ऐसे जड़ो। और भी एक एक घंटे की, दो दो घंटे की, तीन तीन घंटे तक की क्लास है, 15-15, 20-20 मिनट की भी क्लास है, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी क्लास है, एवरेज एक घंटे से कम किसी नहीं, 250 प्लस प्लस कर, अगर कोई बाहर चला जाता तो गारंटी मेरी है। और फिर भी अगर 1%, 2%, 5%, 10% करते हो सर, थोड़ा बहुत तो बाहर चला जाता तो मैं जिम्मेदार हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा आपको, दो बुक, एक तो सब्जेक्टिव बनाई हुई, एक ऑब्जेक्टिव बनाई हुई। इन बुक को आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन या jugalsir.com से खरीदते हो, वेबसाइट से, ये वेबसाइट से खरीदते हो, www.jugalsir.com से खरीदते हो, तो आपको जो है इसके बाहर दावे के साथ तीन चीज बोला हूं मैं, वीडियो कोर्स 250 क्लास, और यहां पर फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप जो है ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब जो है बुक लोगे, आप देख लेना बुक वाला वीडियो बनाया उसमें पिछले से देख लेना, तो आपको देख करके ही खरीदे, जल्दीबाजी ना करें, समझ में आना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। हाथ से लिखी हुई बुक है, हस्तलिखित है, कैसे हस्तलिखित बुक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि हस्तलिखित बुक है, तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये वैकेंसी उत्पादन में आने, एक ही फॉर्म भरना है, तो आपको बार बार परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, ये आपको मैं इसके साथ में फ्री दे दूंगा। तो ये सारा कोर्स आपको उपलब्ध होगा, नॉन टेक्निकल जो भी आता, राजस्थान जीके वगैरह सब करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और बोलो, कोई भी चीज़ को आपको असुविधा नहीं होगी, आपको ध्यान रखना। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, और जो कोई प्रॉब्लम आए इस नंबर पर कॉल कर लेना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल है, और आप व्हाट्सएप वगैरह करना चाहिए इस पर कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको देखना है, मिशन आपका है, तो मिशन आप पर हम मिलकर के चलेंगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि बार बार आप जानते हो अच्छी तरह से, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है ना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं बनता है। इसीलिए तो कहा है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आपकी भी नहीं होगी, यकीन मानेगा, वैकेंसी आ गई यू समझो तो आपका काम चल पाएगा, क्योंकि जब आ जाएगी तो 30 दिन लेकर आएगी, तो उस केस में आप क्या कर पाओगे, ये चैलेंज है मेरा। अतः 30 दिन में आपका कोर्स जो है नहीं कर पाओगे, मैं तो चलो ठीक है वीडियो कोर्स उपलब्ध करा दूंगा या क्लास भी प्रोवाइड कर लेंगे, आप कैसे कवर कर पाओगे? मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा करके लास्ट टाइम की भर्ती में भी कवर कराया था, लेकिन आपका कैसे हो पाएगा, आप कैसे कर पाओगे, यही तो बात है। तो समझने की बात है दोस्तों, सारी चीजें उपलब्ध है, आप अब लगे रहो। और आपको प्लीज अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो आपने 10-10 दोस्तों तक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी भेज सकते हो सोशल साइटों पर भेज दीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो पर जो है, इस वीडियो का लाभ अपने सभी स्टूडेंट उठा सके और वो समझ सके कि भर्ती कब आने वाली, किस तरह की समस्याएं आ रही है, कहां तक है, ये सारी चीजें उनको अवगत हो सके। उम्मीद है आप ये इस छोटे से कार्य में, 1 रुपये भी आपका खर्च नहीं होगा, तो जरूर इसको भेजोगे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।